एग्जाम तो ठीक गया पर लिखना बहुत पड़ता है, 100 नंबर के पेपर में इतना सारा लिखना पड़ता है, फिर भी कोशिश करते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, हम 2.5 घंटे में खत्म करके जाते हैं। इसलिए नहीं कि हमारा पेपर इजी है, इसलिए कि हमें लिखने का मन नहीं है, हम जल्दी लिख के जल्दी आ रहा। लास्ट में 6 क्वेश्चन कर कर कैसा फील कर रहे हो? लास्ट के 6 क्वेश्चन बड़े खराब होते हैं। शुरू में 12 नंबर के 4 क्वेश्चन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर 16 नंबर के 3 क्वेश्चन, फिर लास्ट में जो 26 नंबर के 6 क्वेश्चन करने होते हैं वो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब खत्म हो गया एग्जाम फाइनली। एग्जाम के बाद क्या प्लान है आज एग्जैक्टली आज क्या करने वाला है? आज लेवल 2 का बुक्स ऑर्डर करूंगा सीएफए का। ओ भाई एक्स्ट्रा पढ़ाकू लोग। तो भाई और कुछ नहीं, मैंने बोला मम्मी की कसम खा रहा हूं। प्लान फॉर टुडे? टुडे या वी आर प्लानिंग टू बाय रेड लेबल, विल ड्रिंक एंड फ्लैट। एग्जाम खत्म हो गया आज, आज क्या प्लान है रोशनी? आज सोने का अच्छे से। चलो बढ़िया, फिर आगे से साफ कर देती हूं। यहां हमें मिल रहा है ब्लेजर, लेट्स सी। साक्षी कैसा गया पेपर? अच्छा गया, खत्म हो गया नया हेयर कट। कॉलेज में फ्री, ये कॉलेज में फ्री ब्लेजर बट रहे हैं, बच्चे आ गए उठाने के लिए, फिर बाद में मार्केट में इसे बेचा जाएगा। दिबार्गो, दिबार्गो नहीं, हिरोक कितने उठाने वाला है? मैं 10 उठाने वाला हूँ। ठीक है ठीक है, प्रॉफिट आधा आधा होगा। चलते हैं, क्या कर रहे हैं भाई? भाई बाल तो बाल बनाने लगा यार कैमरा देख के। अबे ऑब्वियसली बात, अभी आज आज का प्लान क्या है? जाके CS:GO खेलेंगे, फिर TT तेरे को मैसेज कर दूंगा आना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। आज हमारे एंड टर्म का फाइनल एग्जाम था और वो एग्जाम खत्म हो गया है और मैंने सभी लोग के प्लान्स पूछे हैं कि कौन क्या क्या करने वाला है, एंड सभी लोग के कुछ ना कुछ प्लान्स हैं, हमारा भी कुछ प्लान है। हम लोग भी ट्रिप पे जा रहे हैं, हम 5 लोग, मैं, प्रियांशी, मितीक्षा, सुमेधा और हमारा फ्रेंड जिंटी, जिसको अभी तक मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, उसे भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। तो कहाँ जा रहे हैं मैं उस चीज के बारे में आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो धीरे धीरे पता चल जाएगा। फिलहाल हमारी बस है कर्नाटका स्टेट सर्विस ट्रांसपोर्टेशन की, वो काफी अच्छी बस है कर्नाटका की। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, इनकी ट्रांसपोर्टेशन बसेस काफी अच्छी है, आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी से ही हम लोग बस लेने वाले हैं, हमने पहले से सब कुछ कर लिया था, हमारे वहां पे जहां हम जाने वाले हैं वहां पे होटल और बाकी सारी चीजें सब कुछ हो गई हैं। तो धीरे धीरे और मैं बताऊंगा कि क्या होने वाला है। एक छोटा सा काम अभी अभी निपटाया है मैंने और यशी ने, एक और इवेंट में पार्टिसिपेट किया है जो बिट्स प्लानी हैदराबाद ने होस्ट किया है, तो उसकी थोड़ी सी आंसर राइटिंग करनी थी तो वो करके मैंने अभी भेजी है। और अभी आप देख सकते हैं कुछ कपड़े हैं जो मैंने निकाल के रखे हैं ट्रिप पे जाने के लिए, ये जो मैं आज पहन के जाने वाला हूँ, ये कुछ ऐसे कपड़े हैं जो मैं वहाँ पे लाइक रात में रिलैक्स करने के लिए जो नॉर्मल कपड़े होते हैं वो पहनने होते हैं, ये वो कपड़े, और ये फिलहाल जो अगर बाहर जाने के लिए वो कपड़े 2-3 रखे हैं मैंने। तो ट्रिप जो है वो 2-3 दिन की होने वाली है, एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे चल चल दूंगा। और ये मेरा लैपटॉप बैग है, इसमें एडिटिंग करने के लिए मुझे लैपटॉप भी लेके जाना पड़ेगा कि क्योंकि मीनवाइल मैं व्लॉग्स भी शूट करूँगा तो मुझे एडिट करने के लिए लैपटॉप चाहिए। तो ये चीज़ है, बाकी तो कुछ चीज़ें हैं वो वहाँ से भी कुछ कुछ चीज़ें लेनी होगी, पता नहीं क्या क्या रखा है, वॉचेस वगैरह और मेरे बाकी सारे सामान, तो फिलहाल ये है। लेकिन अभी क्योंकि रोज़ मैं थोड़ा बहुत खेलता हूँ, आज बैडमिंटन खेलने के लिए कोई नहीं आया तो मैं TT खेलने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ लोग आए हुए TT खेलने के लिए तो उनके साथ TT खेलूंगा। फिलहाल 7 बज रहे हैं, हम लोग 9 बजे के बाद निकलेंगे, 11 बजे की बस है तो 9 बजे के बाद निकलेंगे, यहाँ से 2-3 किलोमीटर ही है पर स्टिल हम लोग 9:30 के बाद निकल जाएंगे, ताकि क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहता है तो कोई रिस्क नहीं लेना, इसलिए हमें टाइम से पहुँचना है तो हम पहुँच जाएंगे, तो हम 9:30 तक निकल जाएंगे।
सो मैंने दो बैग रेडी किए हैं। ये वाले बैग में सारे कपड़े जूते जितनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे 3 दिन के लिए यूज़ होगी वो इसमें रखा है। एंड ये वाले बैग में लैपटॉप है, चार्जर है, तो इसे सेपरेट रखने का सोचा तो इसे मैंने इस बैग में रखा है। ऑल सेट भाई के भी दो बैग रेडी हो गए हैं। तो ये है जिंटी, ये हमारे साथ ट्रिप पे चल रहे हैं। बस इनका खाना चल रहा है अभी। 9 बजे दुकान बंद किया है मैंने। 9 बजे इनका दुकान बंद हुआ है, मतलब जॉब ना, हाँ मतलब ऑफिस टाइम, वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है इनका। तो ये दो बैग इनके भी रेडी हैं। ऑल सेट या इस बार बंदे सारे चेंज हुए हैं, मतलब 3 लोग को छोड़ के बाकी सारे लोग चेंज हैं। मैं जिनकी ब्रांची पिछले वाले पे भी गए थे यूट्यूबी वाले, लेकिन इस बार सुमिता और मितीक्षा भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अभी हम लोग रिसेप्शन पे आ चुके हैं। यहाँ से मितीक्षा, सुमिता और प्रियांशी को लेके अभी हम लोग यहाँ से रैपिडो करेंगे, और रैपिडो से फिर ये है एग्जिट, एंट्रेंस भी यहीं से निकल जाएंगे। और ये आ गए हमारे प्यारे लोग। हाउ इज द जोश? मितीक्षा अपना पुलोवर भूल गई। एक्चुअली बैंगलोर में ज़्यादा ठंड होती नहीं है, उसको लगा ठंड नहीं लगेगी, पर अब ठंड आ गई थोड़ी थोड़ी। अपने पुल पर लेने के लिए गई है अंदर। मैंने 2 ऑटो किए, उसमें से एक आ गया है, तो एक में 3 लोग बैठ जाएंगे। ऑटो यहाँ पे खड़ी है, हमें पता नहीं था इतने पास खड़ी है। 4846 दो लोग निकल चुके हैं उसमें, इसमें 3 लोग जा रहे हैं। तो ये छोटे मोटे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लाइक अभी अपने मोटो में बैठे हैं और जितनी भी चीज़ें होंगी, हम सब कैलकुलेट करते हैं। हमारा मोटिव यही रहता है कि हम बजट ट्रिप करें सारे के सारे, तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे जो भी होंगे हम सब आपको बताएंगे। सारी चीज़ें ब्लॉग में पता चल जाएगी, अगर ये ब्लॉग में तो अगली ब्लॉग में पता चल जाएगी। ये हम लोग बस डिपो पहुंच गए। पहले से बसेस हैं यहाँ पे, लेकिन इनमें से कोई में भी हम जाने नहीं वाले। हमारी तो आएगी बाहर से आएगी, वो मजेस्टिक से आती है। हाँ अच्छा। तो हम लोग बस डिपो में पहुंच गए हैं, और इधर पे हमारे अलावा काफी लोग हैं जो इधर पे, यहाँ पे क्राउड देख सकते हो आप सारे, और यहीं पे सारी बसेस आती हैं। हम लोग की तो KSRCTC की है, ये तो प्राइवेट बसेस हैं। हमारी तो नहीं, ये प्राइवेट नहीं है। ऐसा वैसा बैग नहीं है वो। उधर पे जब गए थे उडुपी में, वहाँ पे मजेस्टिक वाले बस स्टॉप पे थे हम लोग, तो भी वो बंदे, उस बंदे ने पूछा था, पता है लिटरली उस बंदे ने पूछा था कि कहाँ से लिए ये वाला बैग। और वो पता है, जैसे ही हमने उसको बताया कहाँ से लिए, वो सर्च कर रहा था अमेजोन पे। और पता है मैं क्या कर रहा था? मैं उसको बता रहा था कि अमेजोन क्या होता है। जब मैंने देखा उसके फोन पे तो आजियो मिंत्रा सब है, क्योंकि 11 बज चुके हैं पर फिर भी अभी तक बस आई नहीं है। हम लोग काफी जल्दी आ गए थे तो हमें बहुत देर वेट करना पड़ा। ये सब प्राइवेट बस हैं, ये सब भी अलग जगह जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे जगह जाने वाले लोग हैं, कोई कॉम्प्यूटर जा रहा है, कोई चेन्नई जा रहा है, कोई पांडिचेरी जा रहा है। अच्छी चीज़ ये है यहाँ पे कि इधर पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे सब लोग बैठ गए। अगर यहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं होता तो फिर बैठने में प्रॉब्लम होती। अभी 15 मिनट लेट है, हालांकि हम 10:30 बजे आ गए थे, 11 बजे की बस थी, पर फिर भी 15-20 मिनट अभी लेट है। 11:15 हो रहा है, 5-10 मिनट से भी आने वाली है। तो ये रेस्टोरेंट अच्छा है, ये बंद हो गया है पर फिर भी उन्होंने बैठने के लिए हमें दे दिया है, तो अच्छा हो गया। हमने लड़कियों को यहाँ पर बैठा दिया है, हम लोग यहीं पर खड़े हुए हैं अभी। तो फाइनली हमारी जो बस है 2491 वो आ गई है ऐरावत की। काफ़ी अच्छी बस है ये। KSRTC की बसें जो होती हैं क्लब क्लास वाली काफ़ी अच्छी होती है, तो फाइनली बस आ गई है। सीट नंबर है,
है सीट नंबर बताऊं क्या? हाँ है ना, ऊपर रखने की जगह तो है। हमको लगा हम छोड़ तो नहीं दिए बस। तो ये है बस एक लाइनर। नंबर याद है क्या क्या? सॉरी, हमें साथ में ब्लैंकेट भी मिल गया इधर पे, और ये रिक्लाइनर है। रिक्लाइनर जाता है, दिखा ब्रांच रिक्लाइन। तो ये सीट्स जो हैं वो रिक्लाइनर सीट्स हैं, ये पूरी रिक्लाइन हो जाती हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से रिक्लाइन हो गई इधर पे, और ये पीछे भी चले जाएगा, शायद बटन से प्रेस करके पीछे भी जाते हैं ये पीछे। बस ज़्यादा भरी हुई नहीं है पर काफ़ी अच्छी रहती है। 750-800 करीब इसका प्राइस रहता है, और उस प्राइस में बहुत अच्छी फैसिलिटी रहती है। कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं हम सुमेधा का बर्थडे? ताली बजा के या कंबल डाल के मारेंगे ये कुछ इस तरह। तो हमारी सीटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसी है, यहाँ सुमेधा बैठी है, यहाँ मितिक्षा बैठी है, इधर प्रियांशी बैठी है, यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ जिंटी बैठा है। डेढ़ बज रहे हैं अभी, बस यहाँ पे हॉल्ट पे रुकी हुई है। KSRTC बस विल स्टॉप फॉर 25 मिनट्स। तो आज हमारी सुमेधा का बर्थडे है, पर हम कल विश कल सेलिब्रेट करेंगे पॉन्डिचेरी में। विदेश से कोई प्लान है खास? हाँ, पर सुमेधा तो पार्टी नहीं दे रही है अभी। अभी तो पूरा पार्टी इसकी तरफ से स्पॉन्सर होना चाहिए, मतलब मौका और दस्तूर दोनों चीजें हैं, पर फिर भी नहीं कर रही हो। कल थोड़ा कल फ्रेंच कॉलोनी में बड़े से कैफे में। जिंटी अभी कुछ मोशन समझ में आ रहे हैं क्या? बस में अजीब लग रहा है। मैं कहता हूँ पता है, मैं ना हर आधे आधे घंटे इनके साथ बैठता हूँ, आधा घंटा इसके साथ बैठता हूँ, बट बात करते करते दोनों का दिमाग भटकाते रहो, दोनों को फिर मोशन लगते नहीं पता है। लास्ट टाइम क्या हुआ था? लास्ट टाइम ये जिंटी भाई बहुत सही था, नींद आ गई थी बेचारे को। मैंने जब बताया कि इसको उल्टी आई, फिर इनको भी तबीयत खराब होने लगी थी इनकी। एक गोभी फ्राइड राइस, हम के लिए एक लाइट कॉफी, ये आ गया मसाला डोसा जो कि तुम्हारा है नहीं। तो ये था बहुत बड़ा धोखा। ये दो पेपर मसाला डोसा मैडम लोग के लिए। देखो खा पाओगे तुम लोग? तो देखते हैं।